उत्तराखंड बीआरपी सीआरपी रिक्रूटमेंट 2023 आप तमाम स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट है कि जो बीआरपी सीआरपी के लिए जो अनुबंध यहां पे कंपनी के लिए रखा गया था, जो टेंडर था, फाइनली वो टेंडर यहां पे प्रोवाइड कर दिया गया है। हो कौन सी कंपनी है मैं आगे डिस्कस करूंगा और कब तक ये भर्ती देखने को मिलेगी ये भी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना स्टूडेंट, आने वाले दिनों में जब भी आपका बीआरपी सीआरपी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग जैसे आपका आवेदन फॉर्म शुरू होगा उसके रिगार्डिंग में फुल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, देहरादून बड़ी खबर, जल्द 955 पद जो बीआरपी सीआरपी के टोटल पद है उसमें कंपनी के साथ हुआ अनुबंध, कौन सी कंपनी स्टूडेंट होगी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं उत्तराखंड में बीआरपी सीआरपी के 955 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने दिल्ली की कंपनी अलंकृत से करार किया है। तो कहने का मतलब ये स्टूडेंट, जो दिल्ली की जो कंपनी है अलंकृत, उससे यहाँ पे इनको टेंडर प्रोवाइड कर दिया गया है। एपीडी समग्र शिक्षा अभियान डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने कहा है कि कंपनी को चयन में शैक्षिक व अनुभवों के मानकों को कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, जो मानक तय किए गए थे, परसेंटेज जो तय किए गए थे बीआरपी सीआरपी के लिए, उसके रिगार्डिंग जो टेंडर प्रोवाइड किया था वो टेंडर फाइनली यहाँ पे मिल चुका है कंपनी को। अब ये जो भर्ती है स्टूडेंट आपको जल्दी देखने को मिलेगी, अगले महीने मार्च के प्रथम सप्ताह तक शायद आपको ये भर्ती देखने को मिल सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मानक के रिगार्डिंग जैसे आपको पता है कि 55% आपके मास्टर्स में होने चाहिए बीआरपी सीआरपी के लिए। बीआरपी में आपके सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे वैकेंसियाँ होने वाली है और सीआरपी में आपने किसी भी सब्जेक्ट से मास्टर्स किया है देन आप सीआरपी पद के लिए यहाँ पे एलिजिबल है। उम्र के रिगार्डिंग ऑलरेडी आपको पता है स्टूडेंट, 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। जैसे इसके रिगार्डिंग फॉर्म खुलता है, ध्यान देना स्टूडेंट, जैसे इसके लिए फॉर्म खुलता है मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए फुल वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे अब जो टेंडर है वो मिल चुका है, जल्द ही यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। अगले महीने के प्रथम सप्ताह तक शायद आपको जो फॉर्म है वो देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा स्टूडेंट, ये फॉर्म प्रयाग पोर्टल में देखने को मिलता है या अलग से इसके लिए लिंक प्रोवाइड होगा, ये देखना रहेगा। लेकिन चांसेस ये स्टूडेंट के प्रयाग पोर्टल के द्वारा ही ये भर्ती देखने को मिलेगी। जैसे इसके रिगार्डिंग अपडेट आता है मैं आपको अपनी वीडियो में प्रोवाइड करूँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।